हेलो फ्रेंड्स, अगर आप राजमा की सब्जी एक ही तरह से खा खा के बोर हो चुके हैं तो इस रेसिपी को ट्राई करें। तो आज मैं लेकर आई हूँ राजमा की बहुत ही हेल्दी रेसिपी, जो खाने में तो बहुत टेस्टी होता ही है और इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि राजमा में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और ये हमारे शरीर में प्रोटीन का स्तर सही रखता है, तो इसे अपने खाने के रूटीन में जरूर शामिल करें। तो चलिए, देर किस बात की है, इसकी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 कप राजमा लिया है और इसे मैं पानी से भिंगोकर 7 से 8 घंटे के लिए पानी में सोख करके रख दूंगी, या फिर इसे आप रात में भिंगो के रात भर के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो राजमा है ना, पानी में अच्छे से सोख हो गई है, तो मैंने यहाँ पे इसे 3 से 4 पानी अच्छे से धो के साफ कर लिया है। और इसमें मैं यहाँ पे 7 से 8 हरी मिर्ची को लिया है, 1 आधा टुकड़ा अदरक का, 4 से 5 लहसुन, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया, 6 से 7 काली मिर्च के दाने, 1/4 चम्मच हल्दी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। और सारी चीजों को हमें यहाँ पे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, और ग्राइंड करने के बाद हमारा जो पेस्ट है इस तरह का ड्राई रहेगा। तो मैंने इसे ग्राइंड करते समय सिर्फ 2 से 3 चम्मच पानी का यूज किया था। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 प्याज को चॉप करके डाला है और धनिया पत्ता को भी साथ में डाल देंगे, और सारी चीजों को अच्छे से हम यहाँ मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में राजमा से 2 तरह की रेसिपी बनाई है। पहला मैंने स्नैक्स बनाया है, जिसे आप ब्रेकफास्ट में या बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, जो बहुत ही हेल्दी नाश्ता रहेगा आपका। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं मिक्सर से मैं यहाँ पे 1-1 कर बॉल बना रही हूँ। तो इसी तरह से हमें सारे 1-1 कर बॉल बना के तैयार कर लेना है। और यहाँ पे मैंने एक नेट वाली प्लेट का इस्तेमाल किया है और मैं उसे ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ, ताकि जो राजमा के बॉल है स्टीम करने के बाद नीचे से चिपकेंगे नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े से बर्तन को लिया है और उसमें मैं पानी डाल रही हूँ, और हमें बर्तन में पानी इतना ही लेना है कि नेट वाली जो प्लेट है उससे पानी टच ना हो पाए, और पानी वाले बर्तन के ऊपर नेट वाली प्लेट को रखेंगे, जिसमें मैंने राजमा बॉल को रखा है स्टीम होने के लिए। और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे, 5 मिनट हाई फ्लेम पे और 10 मिनट लो फ्लेम पे। राजमा बॉल अच्छे से स्टीम हुई है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए हम कोई भी एक स्टिक लेंगे और राजमा के अंदर इस तरह से डालकर देख लेंगे। अगर स्टिक साफ निकलती है तो आप समझ जाइए कि अच्छे से स्टीम हो गई है, और नहीं तो आप इसे टच करके भी देख सकते हैं। अगर आपको टच करने के बाद बॉल जो है हार्ड लगेंगे तो समझ जाइए कि अच्छे से ये स्टीम हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर ऑयल खाना आपको एकदम भी पसंद नहीं है तो ये खाने के लिए यहाँ पे एकदम तैयार है। तो फ्रेंड्स, मैं इसे और टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 से 2 चम्मच सरसों ऑयल लिया है, और उसमें 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सफेद तिल और 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है, और इसे मैं ऑयल में तड़का लगाऊंगी, और ये जब हल्का ब्राउन हो जाए तो इसमें बनाए हुए राजमा बॉल को मैं इसमें डाल दूंगी और इसे चारों तरफ से अच्छे से चला लेंगे, ताकि जो मैंने ऑयल में सफेद तिल, जीरा और चिली फ्लेक्स का जो तड़का लगाया है राजमा बॉल में अच्छे से कोट हो जाए। ऐसा करने से राजमा बॉल का जो टेस्ट है ना, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। आप इसे एक बार ट्राई जरूर करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि इसी राजमा बॉल से मैं एक और रेसिपी बनाने वाली हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो रोज रोज अगर आप सब्जियाँ खाकर बोर हो चुके हैं तो चलिए एक नई रेसिपी बनाया जाए राजमा से। तो मैंने यहाँ पे पैन में 3 से 4 चम्मच सरसों ऑयल लिया, और उसमें मैंने 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच जीरा, 7 से 8 काली मिर्च के दाने, 2 प्याज और 2 टमाटर को रफली चॉप करके लेंगे, 7 से 8 लहसुन लेंगे, 2 से 3 हरी मिर्ची और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का पैन में डाल देंगे, और इसे सुनहरा होने तक इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से प्याज, टमाटर और सारे मसालों को भून लेने से मसालों और प्याज टमाटर का जो कच्चापन होता है तुरंत निकल जाता है, और इससे हमें मसालों को घंटों भूनने की जरूरत नहीं पड़ती, मसाले तुरंत भूनकर तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पे प्याज, टमाटर और सारे मसाले अच्छे से भूनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसे ठंडी होने के बाद ग्राइंडर जार में डालकर इसका बारीक सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे, और ग्राइंड किए हुए पेस्ट को हमें सूखने तक भूनना है। ग्राइंडर जार में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मसालों को हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, 1 तेजपत्ता भी डाल देंगे, और इसका पानी सूखने तक बस हमें इसे भूनना है, क्योंकि हमारे जो मसाले हैं 70-80% फ्राई करने से ही इसका सारा कच्चापन निकल गया था।
तो फ्रेंड्स मसाले जल्दी भूनने के साथ साथ इसकी ग्रेवी जो है बनने के बाद बहुत ही सिल्की और बहुत ही स्मूथ सी ग्रेवी बनकर तैयार होती है। जैसे हम पनीर वगैरह की ग्रेवी बनाते हैं ना, तो उसी तरह की इसकी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे जो मसालों का पानी था अच्छे से सूख चला है, मसाला एकदम से तैयार है। तो अब हम यहाँ पे ही 1 गिलास के करीब पानी डाल देंगे और लीड लगाकर कवर करेंगे उबाल आने तक। और जैसे ही ग्रेवी में उबाल आना स्टार्ट होगा तो हम अपने राजमा बॉल के इसमें डाल देंगे और इसे फिर से लीड लगाकर कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही उबलने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो राजमा बॉल है उसके अंदर ग्रेवी अच्छे से अंदर तक चला जाए। तो मैंने यहाँ पे धनिया पत्ता का जो डंठल होता है उसे यहाँ पे कट करके डाला है और आधा चम्मच के करीब मैंने गर्म मसाला पाउडर इसमें डाला है। तो धनिया पत्ता का डंठल सब्जी वगैरह में डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और पत्तों से ज्यादा धनिया पत्ता के डंठल में फ्लेवर होता है। तो इसलिए अगर डंठल हो तो उसे फेंकने के बजाय सब्जी या किसी चीज में डाले बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो फ्रेंड्स हमारी जो सब्जी है राजमा की बनकर तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं और देख कर ही बता सकते हैं कि हमारी जो सब्जी है जैसे हम रेस्टोरेंट होटल वगैरह में खाते हैं उसी तरह की सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये राजमा की रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको मेरी राजमा की ये दोनों रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।